गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाना के अंतर्गत आने वाले कादपुर गांव में पीजनवाला मंदिर में देर रात अज्ञात हमलावरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। मंदिर में पिछले कई सालों से पुजारी के तौर पर रह रहे गोविंद दास की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी वारदात का तब पता चला जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ ग्रामीण पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने पुजारी गोविंद दास को लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने पुजारी गोविंद दास को मृत अवस्था में लहूलुहान पाया, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बाबा मोहर्राम तीजन वाला जोड़ है मंदिर है। क्या हुआ था यार? यहाँ भैया सुबह 6 बजे में आया था, उस टाइम मैंने अपने घर से चाय लेके बाबा को जगाया, 3-4 आवाज लगाई, बाबा नहीं जागा तो मैंने उनका कमर उठाया देखा तो गर्दन कटी हुई थी। अलग थी या गर्दन पे चोट के निशान थे? नहीं, अलग थी। अच्छा जी, तो आप रोज लाते हो चाय? कितनी उम्र थी, क्या था, किस तरह से सेवा? बाबा का चेला रहता था, वो 2.5 महीने यार आया था, उसके बाद कल वो अपने घर चला गया तो मैं सुबह घर से चाय ले आया, मगर बाबा कहला चलो मैं चाय दे देता हूँ, तो मैं आके देखा चाय दी तो मैं डेली चाय नहीं लाता था, मैं डेली आता था पूजा करने के लिए, चाय नहीं लाता। क्या उम्र थी बाबा की और कब से रह रहे थे? बाबा की 90-95 करीब उम्र थी। अच्छा, कितने दिन? 35-36 साल से रह रहे थे यहाँ पे। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी गोविंद दास पिछले 35 सालों से लगातार मंदिर में ही रह रहे थे। यही नहीं, पिछले कुछ महीनों से उनकी हालत बीमारी के चलते काफी खराब थी, लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस को प्राथमिक जांच में यही लग रहा है कि किसी लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की आगामी जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।